canvas. कनवास सांगोद विधानसभा के सभी कार्यकर्ता साथियों, किसान भाइयों, माता बहनों, नौजवान, आप सबको दिवाली का बहुत बहुत प्रणाम। कनवास की ये धरती जो आध्यात्मिक धरती भी है, और अन्न पैदा करने वाले किसानों की धरती है। मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं, यहां की जनता का बहुत प्यार स्नेह आशीर्वाद मुझे मिला है। मैंने दो लोकसभा के चुनाव यहां से लड़े और दोनों लोकसभा के चुनाव में आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया उसके कारण मैं दिल्ली की संसद में पहुंचा। और आज आप सबके आशीर्वाद से ही मुझे देश नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे बड़े लोकतंत्र के देश के अंदर वहां की लोकसभा अध्यक्ष का दायित्व मिला, ये भी आपके आशीर्वाद से मिला। और जो आप आशीर्वाद देते हैं, जो मुझे प्रेरणा देते हैं, नई ऊर्जा देते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की मर्यादा बनी रहे, लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हम देश के लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन ला सकें। और इस 75 साल की लोकतंत्र की यात्रा में हमने इन्हीं लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से देश में सामाजिक परिवर्तन लाए, आर्थिक परिवर्तन लाए। 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमने देश के अंदर विकास और समाज के व्यक्तियों के जीवन के परिवर्तन करने के लिए कई कानून बनाए, नीतियां बनाए, कार्यक्रम बनाए। और आज हमें गर्व होता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, देश बदल रहा है। दुनिया के देश अब भारत की ओर देख रहे हैं। भारत की सामूहिक ताकत, सामूहिक संकल्प शक्ति और हम सबके सामूहिक प्रयासों से हम दुनिया के अंदर तेजी से आर्थिक रूप से बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारी दूरी बहुत दूर है अभी, और हमारा संकल्प है जो प्रधानमंत्री ने लाल किला मैदान से कहा कि जब आजादी के 100 साल हो, भारत विकसित राष्ट्र बने, जो गुलामी के तोड़े बहुत अंश थे वह अंश भी समाप्त हो, हमारा किसान समृद्धशील बने, नौजवान को रोजगार मिले और देश के अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति के जीवन के अंदर भी परिवर्तन आए। इस संकल्प से काम करने की हमें आवश्यकता है।
और ये संकल्प पूरा होगा हमारे 130 करोड़ जनता के सामूहिक प्रयासों से। दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से कोरोना वैश्विक महामारी के अंदर जब दुनिया के बड़े बड़े देश जो आर्थिक रूप से मजबूत थे, चिकित्सा के इंफ्रास्ट्रक्चर से हमसे मजबूत थे, उनकी हालात भी हमने देखी, उनकी सामाजिक अर्थव्यवस्था भी हमने चरमराती देखी। हमारा 130 करोड़ का देश, 6 लाख से ज्यादा गांव, लाखों ढानियां, विविध संस्कृति, विविध धर्म, अलग अलग भौगोलिक स्थितियां, लेकिन उसमें सबसे बड़ी ताकत सामूहिक शक्ति की, सामूहिक काम करने की। और इसी सामूहिक के कारण जब कभी गांव ढाणी से लेकर किसी भी कोने में जब कोरोना का संकट आया तो गांव के लोगों ने मिलकर उस अभाव वंचित गरीब व्यक्ति की सेवा करने का काम किया। हमने अपने स्तर पर वैक्सीन तैयार की, चिकित्सा के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए और दुनिया को भारत की ताकत दिखा दी। लेकिन आज हम सबको हमारी ताकत और समर्थ शक्ति को और दिखाना है। जिस तरीके से हमारे किसान भाइयों ने कोरोना के समय देश को बचाने का काम किया, आज हमारा संकल्प है कि दुनिया के अंदर कृषि के क्षेत्र के अंदर नए आधुनिक परिवर्तन के साथ हमारी प्राचीनतम प्राकृतिक पद्धतियां, हमारी प्राचीनतम संस्कार, प्राचीनतम संस्कृति को लेकर हम भारत के किसान को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का हमारा संकल्प। यह सांगोद का क्षेत्र भी एक कृषि प्रधान इलाका है। पिछले कुछ दिनों पहले सांगोद के किसान दिल्ली के अंदर गए थे, उन्होंने देखा किस तरीके से हमारे नौजवान ने कृषि के अंदर आधुनिक परिवर्तन किए, कम जमीन पे ज्यादा उत्पादन और उत्पादित वस्तु का वैल्यू एडिशन चेन बनाकर देश और दुनिया में बेचने का काम हमारे नौजवान कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपके बीच में आता हूं तो मेरा भी मानना है कि एक दिन हम सब लोग इस सांगोद के किसानों की आर्थिक स्थिति के बदलाव करके ही रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। किस तरीके से पानी पहुंच सकता है, कुछ लोग पत्र लिखते हैं, केवल पत्र लिखते हैं, उनका पत्र लिखना ही काम है, पत्र लिखने से काम नहीं होगा, समस्याओं को समझना, समस्याओं को तह तक जाना और समस्या का समाधान करना, ये काम हमारा है। और हमने ये संकल्प किया है कि आज नहीं कल हम इस धारती के किसानों की कृषि के आधार पर आर्थिक तंत्र को देश का सबसे मजबूत आर्थिक तंत्र बनाएंगे। जो देश के अंदर आधुनिक खेती हो रही है, उनके जितने भी आधुनिक रिसर्च हैं, इनोवेशन हैं, उन सब को हम हाड़ौती के अंदर लाएंगे, सांगोद में लाएंगे। पानी एक आवश्यकता है, बिजली भी एक आवश्यकता है,
अभी मैं गांव के अंदर आ रहा था, लोगों ने कहा बिजली नहीं मिल रही, और ये सांगो सारा सांगोद इलाका तो अभी तक पूरा सिंचित भी नहीं हुआ है, असिंचित इलाका है, बिजली की यहां आवश्यकता है। 20-20 साल 15-15 साल तक लोगों को लाइट के कनेक्शन नहीं मिल रहे। हमें बुनियादी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। कैसे हर किसान के खेत तक पानी पहुंच सकता है, पैसे कैसे किसान को पर्याप्त बिजली की उपलब्धता हो, अच्छा बीज मिले, पर्याप्त खाद मिले। अभी मुझे कुछ दिनों कहा था कि बिरला जी खाद का इंतजाम करो, मैं आज सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं न डीएपी की कमी आने दी जाएगी न यूरिया की कमी आने दी जाएगी, लेकिन हमें डीएपी यूरिया के रासायनिक खाद को भी परिवर्तन करना पड़ेगा। अब हमें जैविक खेती के आधार पर, प्राकृतिक खेती के आधार पर बढ़ना पड़ेगा, ताकि कम फर्टिलाइजर का उपयोग कर भी हम ज्यादा उत्पादन करें। ये इनोवेशन जो हमारे नौजवानों ने किया है वो हम खेत पर करने की आवश्यकता है। इसलिए आप निश्चित मानिए, एक जनप्रतिनिधि के नाते जो मेरा दायित्व है, कोई भी समस्या किसी भी दल का व्यक्ति बताए, सामान्य व्यक्ति भी बताए, मेरी कोशिश रहती है कि उस समस्या का समाधान हो। उन्होंने पत्र लिखा है, ऐसे चीते और शेर के बारे में पत्र ज्यादा लिखते हैं वे। ये भी आवश्यकता है, लेकिन पहले आवश्यकता देश के किसानों की है, इस हाड़ौती के किसान की जिंदगी को बदलने की है। और इसीलिए जनवरी के अंदर हम जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर नए स्टार्टअप है, नई योजना है, नए नौजवानों ने जो काम किया है, उसका सांगोद में मेला लगाएंगे, कुछ प्रगतिशील किसानों से आग्रह करेंगे कि जो कुछ भी देश में एग्रीकल्चर में परिवर्तन हो रहा है अपने खेत में प्रयोग कर देखें। अगर अच्छे परिवर्तन आते हो तो उसका प्रयास करें, ताकि उस परिवर्तन का लाभ यहां भी मिल सके, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में अलग अलग बात है। कल मैं अर्जुनपुरा गया तो अर्जुनपुरा के अंदर अलग बात है। अर्जुनपुरा के किसान ने कहा कि हम तीन खेती कर लेते हैं, आलू भी कर लेते हैं, सब्जी भी करते हैं, वो सिंगल कर लेते हैं, क्रॉप भी कर लेते हैं। बूंदी की मैं गया तो वहां उन्होंने कहा कि हम अमरूद लगाते हैं और एक अमरूद में एक बीघा में 50,000 से 60,000 कमाते हैं। हर किसान के अलग अलग कहानी, हम उसमें से जो बेहतर विकल्प है, जो हमारे जमीन, हमारी पानी, हमारी बिजली की उपलब्धता के अनुसार होगा, उसको हम प्रयोग करने का प्रयास करेंगे, ताकि किसानों की जिंदगी को बेहतर कर सके। इस इलाके में बहुत बड़ी संख्या में मजदूर है, मेरी कोशिश होगी कि हर मजदूर को काम मिले। हमारी कोशिश रहती है कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, अच्छी शिक्षा मिले, और इसीलिए हमने कहा है कि उस अंतिम गांव तक पहुंचना, क्योंकि कई बार मैं देखता हूं कि अभी सावन भादो से आ रहा था तो एक व्यक्ति मुझे मिला, अब करंट लगने के कारण उसके 11 लाख का खर्चा था, और कई लोग ऐसे मिले जिनकी आंखों का ऑपरेशन हो रहा है, जानकारी नहीं है, और जानकारी है तो धन नहीं है। आप निश्चित मानिए, इस संसदीय क्षेत्र का एक एक व्यक्ति का मेडिकल चेकअप कराएंगे,
कितनी भी गंभीर बीमारी होगी उस गंभीर बीमारी का चिन्हित करेंगे और जहां कहीं भी देश के अंदर इलाज हो सकता है उसका इलाज करके उसको स्वस्थ रखेंगे, क्योंकि स्वस्थ रहना सबसे प्राथमिकता है। कोरोना के समय लोगों ने देख लिया है कि बिना स्वस्थ के दुनिया के अंदर कुछ नहीं है। बड़े से बड़े लोगों ने भौतिक संसाधनों का बहुत बड़ी ताकत खड़ी, धन की बहुत बड़ी ताकत खड़ी की है, लेकिन बीमारी किसी व्यक्ति को धन को देखकर नहीं आती। इसलिए हमारा प्रयास है कि समाज के हर व्यक्ति को स्वस्थ रखना। और इसी तरीके से हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे संस्कार मिले, अच्छी संस्कृति मिले। आप सब कार्यकर्तागण बैठे हैं, मेरा आपसे भी आग्रह है कि हमें हमारे विद्यालयों को कैसे बेहतर बनाना है, इसके लिए अपने अपने गांव के विद्यालयों के अंदर जो कमी हो उस कमी को हमें बताने का कष्ट करें, ताकि हम क्रमबद्ध क्रम में आज नहीं तो कल, लेकिन हमारा दावा है ये संसदीय क्षेत्र चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अग्रिम पंक्ति का संसदीय क्षेत्र होगा, जहां हर लोगों को अच्छी स्वास्थ्य मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिले, गांव के अंतिम व्यक्ति को भी देश में कैसी भी कोचिंग करना चाहे, कैसी भी शिक्षा प्राप्त करना चाहे, धन का अभाव उसके बीच में ना आए, यह भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी ये बनती है कि वह ऐसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए, चाहे वो पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे विधायक, कि वह अपनी जनता से संवेदना के साथ जुड़ा रहे, उसके सुख दुख में भागीदार रहे। कैसे उसके अभाव को दूर किया जा सकता है, कैसे उसकी पीड़ा को दूर किया जा सकता है, इसको हम अगर सामूहिकता से काम करेंगे, सब मिलकर काम करेंगे, तो आप विश्वास करें हम सब मिलकर अभाव वंचित व्यक्ति के जीवन को बेहतर करना ही हमारा संकल्प है, उसकी जिंदगी को बेहतर बनाना ही हमारा संकल्प है। और इसीलिए सारे क्षेत्रों के अंदर हमें काम करने की आवश्यकता है। सांगोद के जो मुद्दे दिल्ली के अंदर हैं, जो राज्य ने अगर भेजे होंगे और उसका सकारात्मक समाधान निकलता होगा, तो आप निश्चित रूप से भेजे गए राज्य के कोई मुद्दों का हल निकलने में कोई परेशानी दिल्ली में नहीं आएगी। आप तो दिल्ली छोड़ देश में कहीं भी कोई काम हो, यह आपका सेवक आपकी सेवा के लिए हमेशा खड़ा है। देश आपका है, हर व्यक्ति की समस्या, हर व्यक्ति की तकलीफ, हर व्यक्ति का दुख जो भी हमारे पास आ जाता है, चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति भी हो, अगर वह हमें कागज देता है तो उस कागज का सकारात्मक समाधान निकालने का प्रयास हमें अंतिम दम तक करना चाहिए। हमारे प्रयासों में कभी कमी नहीं रहे। और सामाजिक राजनीति जिम्मेदारी तो यही जिम्मेदारी होती है कि उसने अगर आपको कागज दिया, आपके पास आया है, तो यह मानकर आया है कि आप उसके अभाव को दूर करोगे, और इसके लिए उसके अभाव को दूर करने के लिए कितना भी प्रयास करना पड़े, किसी हद तक प्रयास करना पड़े, हमें किसी भी हद तक उस व्यक्ति की समस्या का समाधान का प्रयास करना चाहिए, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। चाहे किसी भी दल का हो, किसी विचारधारा का व्यक्ति हो,
हमें उसकी संवेदना के साथ उसकी समस्या का कैसे समाधान हो उसकी सकारात्मक दिशा की ओर सोचना चाहिए। आप विश्वास रखें, आपने जो दायित्व मुझे दिया है मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके इस दिए गए दायित्व को ठीक से निभा सकूं। और इसीलिए जब मैं आपके इलाके में आता हूं तो एक ही बात कहता हूं, क्योंकि आप सबके प्रयासों से ही समाधान होगा। कई लोग हम तक नहीं पहुंच पाते, आप गांव में बैठे हैं, आपको गांव में कार्यकर्ता के रूप में देखता है, आपको अपेक्षा करता है, आपके पास कोई अपेक्षा लेकर आता है, जो आपसे समाधान हो सकता है उसका समाधान करो, जो समाधान नहीं होता मेरे पास डालो, हर समस्या का समाधान हम करेंगे, हर व्यक्ति के चेहरे पे। ये दिवाली का पर्व ही संकल्प का पर्व है, हमारी कड़ी मेहनत कड़ी परिश्रम सब कुछ समाज के लिए होना चाहिए, सब कुछ देश के लिए होना चाहिए। हमने भगवान ने हमें बहुत अपेक्षाओं के साथ जनता ने हमें भेजा है, बहुत विश्वास के साथ भेजा है, हम उनके विश्वास भरोसे को मजबूत करें। जो एक व्यक्ति आपके पास आता है, कल 10 व्यक्ति आपके पास समाधान के लिए आए, और अंतिम समस्या का समाधान आपके पास हो, ऐसा मेरा कार्यकर्ता तैयार होना चाहिए। कुछ हो सकता है कभी कुछ चीजों में कमी रह जाए तो कार्यकर्ता के नाते आपका दायित्व रहता है, समय समय नेताओं को सही दिशा देने का भी। हमारे यहां भी कमी रह जाए, मेरे से भी कमी रह जाए तो आपको अधिकार है, आप जनता का नेतृत्व करते हैं, जनता की बात को सुनते हैं, हमारी तरफ से कोई लापरवाही रह जाए कमी रह जाए तो आपको टोकने का कहने का अधिकार है, यह अधिकार आपको होना ही चाहिए। अच्छा सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता वही है जो अपने नेताओं की कमियों को बताता रहे, जो कुछ भी लापरवाही हो जाए उस लापरवाही को भी बताता रहे। सचेत और सतर्क करना भी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी होती है। आप निश्चित रहिए, हम सबके प्रयासों से हमें जिम्मेदारी दी है, मानकर चलो, ये मानकर चलो भगवान ने आपको इसीलिए भेजा है। समाज में हजारों लोग रहते हैं, लोग कोई लोग अपने लिए जीते हैं, कोई अपने परिवार के लिए जीते हैं, लेकिन आपको गांव समाज के लिए जीना है, भगवान ने आपको इसीलिए भेजा है, मानकर ही चलो। जब ये मानकर चलोगे कि मुझे इसी काम के लिए भेजा है तो आपका मन कभी विचलित भी नहीं होगा, कभी दुखी भी नहीं होगा। आपको ये मानकर चलोगे कि भगवान का काम है, भगवान ने मुझे इसी निमित्त भेजा है, अच्छा है आपके पास आ रहा है, और के पास गांव में नहीं जा रहा आपके पास आ रहा है, तो आपके मान करो ये भी प्रभु की कृपा है कि आपके पास कोई आ रहा है। नहीं तो दिन भर गांव में बैठे कोई मिलने नहीं आए, कोई समस्या नहीं बताए तो समझो कि कहीं ना कहीं हमें कमी है। रोज गांव में जाए तो 10 लोग आपके पास काम आ रहे, 10 का समाधान आप करो, ये आपकी ताकत खड़ी होनी थी। मुझे कई बार कहते हैं दिल्ली के अंदर कि स्पीकर साहब आप इलाके के अंदर बहुत जाते हो, मेरे लिए तो यही भगवान है जनता, मैं इनमें देव दर्शन करता हूं, मुझे तो इनके साथ गरीब से व्यक्ति चाहे वो विकलांग हो अभाव में जी रहा हो, कैसे हम उसके अभाव को दूर कर सकें। ऐसे बहुत सारे काम मुझे आपको देने, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके गांव के अंदर कोई विकलांग व्यक्ति हो, उसके हाथ नहीं पैर नहीं, हम उसके हाथ पैर लगाएंगे, उसको भी समाज में बढ़िया बनाएंगे।
जब कोई बुजुर्ग को देखो कि उसके दांत नहीं है तो दांत हम लगाएंगे, किसी बुजुर्ग को आप देखोगे उसको चलने में दिक्कत आती है छड़ी उसको दिलाएंगे, कभी विकलांग को देखो कि ये पैदल चल रहा है तो उसकी मोटराइज साइकिल दिलाएंगे, उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो हो सकता है सब करेंगे। केवल आपको चिन्हित करना है और उसकी जानकारी ठीक स्तर पर पहुंचाना है। आप निश्चित मानिए हमका लक्ष्य यही है कि समाज के अंदर हर व्यक्ति प्रसन्न रहे, प्रफुल्लित रहे, उसकी दिवाली के अंदर, हर दिवाली के अंदर अंधेरे से उसके जीवन में उजाला लाए, खुशी लाए, उल्लास लाए, वह भी बेहतर जिंदगी जिए, उसकी दो टाइम की रोटी का इंतजाम हो, गरीब व्यक्ति को पढ़ने की अच्छी शिक्षा मिले, दुनिया में देश में जहां पढ़ सकता है उसको पढ़ने के लिए सहयोगी सहायता के रूप में हम काम करें, हर गंभीर व्यक्ति का इलाज कराएं, एक ऐसा समाज जिस समाज की महात्मा गांधी जी ने सपना देखा था उस समाज को निर्माण करने का हम सबका संकल्प है। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, आपका प्यार स्नेह आशीर्वाद इसी तरीके से मिला है, आपको भी इतना ही प्यार स्नेह आशीर्वाद गांव से मिले और हर गांव की समस्या का समाधान आपके पास हो, ऐसा नेतृत्व तैयार करने की आवश्यकता है। आप सभी को पुनः दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।